जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। वहीं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र अत्री ने रामगढ़ से ताल ठोकी है। शक्ति प्रदर्शन करते हुए सुरेंद्र अत्री ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जय भीम। पहले सभी को, मेरे साथियों को जो मेरे साथ आए थे, मैं पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जितने भी साथी मेरे साथ नॉमिनेशन के लिए आए, उतने उन्होंने इतना वेट किया बाहर, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं उसके बाद अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मैंडेट दिया, और मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अपनी पार्टी को, अपने वर्कर को और रामगढ़ के जनता को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे इन्होंने हमें विश्वास किया, हम पे मैंडेट दिया, तो मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरे ईमानदारी से और पूरे लगन से रामगढ़ विधानसभा में काम करेंगे। अगर हमारी जीत होती है, हम पूरी ईमानदारी से जनता की आवाज़ में। देखिए, हमारी पार्टी ने बहुत सारे मैनिफेस्टो में अपने मुद्दे जो रखे हैं, वो मैं एक एक करके आपको गिना नहीं सकता, जहाँ पे वो बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो लेकिन जो तीन मुद्दे मेरे जो हैं, वो मैंने रखे हुए हैं कि अगर रामगढ़ विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बॉर्डर के लोगों के साथ झूठे वादे किए थे कि आप हमें वोट दो, हम आपको 5 मरले का प्लाट देंगे, तो हम उस पर असेंबली में अगर हमारी जीत होती है, तो हम पहले सबसे पहले इसके ऊपर काम करेंगे, इसके लिए कोई ना कोई रास्ता रामगढ़ की जनता के लिए निकालेंगे। और दूसरा मुद्दा जो है हमारा झूठ के लिए है, वो जो बॉर्डर की भर्ती इस भारतीय जनता पार्टी ने बंद की है, खासकर स्पेशल रिक्रूटमेंट जो बॉर्डर के लिए होती थी, वो बंद की है, हम उसके लिए भी असेंबली और पार्लियामेंट में हम लड़ेंगे। तो और तीसरा मुद्दा, हमारी जो बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें ज़्यादातर लाइट की बहुत समस्या है, हम उसके लिए एक स्पेशल लाइन का बंदोबस्त कराएंगे। जैसे हमारी जीत होगी, हम उसकी लाइट जो है वो अलग लाइन एक लगवाएंगे, जो हमारे किसानों को दिक्कत आती है, हर समय में हर फसल में उनकी फसल बर्बाद होती है, उसके लिए हम एक अलग लाइन लगाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो हमने सारे रखे हुए हैं। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जम्मू में आ रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से वो सुनाएंगे अपने बॉर्डर के लोगों को कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए सर, हमारी पार्टी यहाँ पे अभी नहीं आई है, लेकिन हमें लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है कि हमारी पार्टी के जो हमारे सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग यहाँ पे जम्मू में है, और ख़ासकर जो मैंने विधानसभा रामगढ़ में देखी, इतने लोग उनको चाहने वाले हैं कि वो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद कब जम्मू आए, कब रामगढ़ में आए, और हमारी आवाज़, हम उनकी आवाज़ को सुने, वो क्या कहते हैं हमारे लिए।